अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। पहली इंटीग्रेटेड डेटा, दूसरी स्ट्रक्चर्ड डेटा, तीसरी हिस्टोरिकल डेटा, चौथी सब्जेक्ट ओरिएंटेड और पांचवी नॉन वोलेटाइल। इंटीग्रेटेड डेटा का मतलब डेटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड इनटू अ कॉमन फॉर्मेट विद इन द डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस में अलग अलग सोर्सेज से आने वाले डेटा को हम एक कॉमन फॉर्मेट में इंटीग्रेट करते हैं। इस प्रोसेस में डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को भी इंश्योर किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटा की। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा होता है, टेबल और रोज में होता है, कॉलम्स में होता है ना। दिस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट इनेबल्स इफिशियंट क्वेरिंग एंड एनालिसिस यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और अदर एनालिटिकल टूल्स। डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। फिर हिस्टोरिकल डेटा, इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ कि डेटा वेयर हाउस में हम पुराने पुराने डेटा को भी एनालाइज कर सकते हैं। उनको हम एनालाइज करके ये पता लगा सकते हैं कि पुराने ट्रेंड्स, पैटर्न्स क्या-क्या थे और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। उस बेस पे हम करंट में कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। फिर सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउस जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फिनेंस और अदर ऑपरेशंस। इस प्रोसेस में हम लोग टारगेटेड एनालिसिस करते हैं और बिजनेस फंक्शंस के लिए रिपोर्टिंग भी करते हैं। और पांचवा है नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब वंस डेटा इज लोडेड इनटू अ डेटा वेयर हाउस इट इज टिपिकली नॉट अपडेटेड और मॉडिफाइड फ्रीक्वेंटली। नॉन वोलाटाइल का मतलब आप जानते ही होंगे कि जो चीज़ हम कंप्यूटर ऑफ करने के बाद जो चीज़ें गायब ना हो, डिलीट ना हो, उन्हें नॉन वोलाटाइल कहते हैं। नॉन वोलाटाइल का मतलब है अपरिवर्तनशील। ठीक, जब हम डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड कर देते हैं तो हम आसानी से इसको आल्टर और डिलीट नहीं कर सकते, अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।